हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। ये जो सड़े हुए सेव हैं, ये है उन्होंने जो कहा, ये खान गैंग है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान, ये तीनों सड़े हुए सेव हैं। बॉलीवुड फिल्मों को लेकर एक्टर सुनील शेट्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि सीएम योगी को हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे बीच कुछ सड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन उसमें आप हम सबको नहीं गिन सकते हैं। अब इस मुद्दे पर आचार्य परमहंस दास ने बॉलीवुड के तीन खान की तुलना सड़े सेव से कर दी है। आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है। सुनील शेट्टी जी ने जो कहा है उनकी पीड़ा है, और वास्तव में ये जो सड़े हुए सेव हैं, ये है उन्होंने जो कहा, ये खान गैंग है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान, ये तीनों सड़े हुए सेव हैं, और जो गंदगी फैला रहे हैं पूरे देश में, अश्लीलता परोस रहे हैं। तो निश्चित रूप से सुनील शेट्टी जी का ये जो दर्द है उसको समझना चाहिए, और बॉलीवुड में जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उस तरह से बॉलीवुड की भी गंदगी ख़त्म होनी चाहिए। जिस तरह से शाहरुख खान का नाम तो आज भी अमेरिका के जो है तो खुफिया एजेंसी की संदिग्ध लिस्ट में है, अलकायदा को फंडिंग करता है। तो ये लोगों का काम है कि भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने के लिए, भारत के युवाओं का चरित्र बिगाड़ने के लिए, और लोगों की आस्था पर कुठाराघात करने के लिए अपना पैसा कमाते हैं, और इस तरह से पूरे देश में अश्लीलता फैला रहे हैं। तो ये जो सड़े हुए सेव उन्होंने कहा है, ये पूरे देश के लिए गंदगी है ये, और ये खत्म होना चाहिए, इस पर सबको फोकस करना चाहिए। बता दें कि सीएम योगी हाल ही में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिले थे। सीएम योगी की ये मीटिंग मुंबई में नोएडा फिल्म सिटी को लेकर हुई थी। इस दौरान सुनील शेट्टी ने ये भी कहा था कि अगर यूपी जैसा राज्य साथ दे तो बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। जैसा स्टेट अगर साथ दे तो बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। अगर यूपी के लोग माने कि ये जो बॉलीवुड के बारे में कहा जा रहा है वो वैसा है नहीं, सभी लोग वैसे हैं नहीं, एक घर में भी, एक फैमिली में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बिगड़ा बच्चा होता ही है। हमारा काम क्या है, उसे सुधारना, ना कि उसे उस रास्ते पर आगे चलना। तो मेरी दरख्वास्त यही थी कि अगर ये भी ट्रेंड अगर चेंज हो जाए तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है।